हेलो, वेलकम बैक। कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो कट गया था, जो अधूरा रह गया था। बाकी का इसका पार्ट इसमें हम कवर करने की फिर से कोशिश करते हैं। हम बात कर रहे थे रैशनल नंबर्स की। तो रैशनल नंबर्स में उनको नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, तो एक एग्जांपल हमने देखा भी था कि अगर सिंपली आता है तो उसको कैसे शो करते हैं। एक तरीका और आ जाता है, कभी कभी हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी आ जाता है। कैसे? अगर हम देखें कि 4/3 होता हमारे पास, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, फिर इसको करने में थोड़ा सा हटके मेथड है, उसको भी चेक कर लेते हैं। कैसे? सबसे पहला तरीका यही है कि हम पहले इसको डिवाइड कराएं, 4 को 3 से डिवाइड कराएं। तो ये डिवाइड होके आ जाएगा हमारा 3 बन जाए 3 और यहाँ पे 1। तो यहाँ पे अब जो बचा वो फ्रैक्शन हमारी मिक्स फ्रैक्शन बनेगी, ठीक है। तो ये होल हो जाएगा 1 होल, रिमाइंडर ऊपर आ जाएगा और यहाँ 3। तो ये जो फ्रैक्शन आपकी आई या जो रेशनल नंबर आपका आया वो मिक्स में आया, यानी कि 1 होल 1/3। तो अब इसको कैसे शो करेंगे? देखो, यहाँ पे जो होल नंबर होता है ना, वो हमारा चेक दिखाता है कि हमको किस नंबर से लेके किस नंबर के बीच में ये फ्रैक्शन शो करके दिखानी है। तो 1 और उसके नेक्स्ट नंबर के बीच में इसे शो करना, क्योंकि ये 1 से ज़्यादा है। तो 1 का नेक्स्ट नंबर 2 होता है, तो यहाँ हम ले लेते हैं 1 और इसका नेक्स्ट नंबर 2, जिसके बीच में हमको ये फ्रैक्शन शो करनी है। अब यहाँ पे कितने पार्ट करने इसके, वो यहाँ से पता चल जा रहा है। यहाँ से 3 पार्ट करने, तो 1 2 और बाकी 3 पार्ट है इसका। अब इसको शो करने का तरीका क्या होता है? इसको शो करने का जो तरीका होता है वो यही होगा, 1/3 2/3 और यहाँ लास्ट में हमारा बचा 3/3, यानी कि जो बाकी हमारे 2 हो जाते हैं, ठीक है। और अब लास्ट में हम करते कैसे इसको, ये जो 1/3 है ना, 1 होल 1/3, तो यहाँ पे आ रहा 1 होल 1/3। इसकी जगह पे हम सीधा ये वाला नंबर लिखेंगे। ये नंबर कौन सा है? ये नंबर हमारा 4/3। इस तरह से ये इसको शो कर लेंगे, ठीक हो गया ना। तो ये हो गया इसको शो करने का तरीका। ये 4/3 5/3 इस तरह से इसको शो करेंगे, और 6/3, ठीक है। ये जो 1/3 लिखा, यहाँ पे हमारा 4/3 और यहाँ पे जो 2/3, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? इसकी जगह हम लिखेंगे 5/3 और ये हमारा हो जाएगा 6/3। 6/3 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये वही आएगा 2, यानी कि 3 2 6, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा 4/3 कहाँ पाएगा? 1/2 के बीच में। तो ये शो करने का तरीका होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नया टॉपिक हमारा जो है कंपेरिजन, एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का है। तो अगर आपने कंपेयरिंग सीख ली तो एडिंग सब्ट्रैक्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। कैसे? सबसे पहले कंपेयर करना सीखो कि नंबर कैसा है। अगर हम आपको बता दें कि 1 और 3 में कौन ज़्यादा है, तो आप ईजिली बता सकते हो कि 3 बड़ा है और 1 छोटा है, ठीक है। ऐसे ही आपको अगर बताया जाए कि 1/2 और 3/2 में कौन ज़्यादा है, तब भी आप बता सकते हो कि 3 ज़्यादा है। लेकिन ऐसी कंडीशंस में आपको एक सलाह है, कंपेयर करने से पहले आप चेक कर लोगे इसके डिनोमिनेटर को कि वो सेम है या अलग अलग है। अगर ये सेम है तो हमको सिर्फ ऊपर इसके न्यूमरेटर चेक करने होते हैं, और अगर ये अलग अलग है तो हमें इसको सबसे पहले सेम बनाने होते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पे हमारे जो दोनों नंबर दिए हुए हैं वो अलग अलग टाइप के दिए हुए हैं। क्या से? यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, तो सेम कैसे करते हैं? तो सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों का एलसीएम ले लेना होगा। तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो 10 होगा। कितना? 10 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले 2/5 का अगर हम सेव करेंगे तो 10 करने के लिए इसका देखो यहाँ पे नंबर 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये अगर तो यहाँ नीचे तो जाएगा 2 10 5 2 10। अब अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कराया तो ऊपर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई कराना होगा, तभी तो ये इक्वल होगा। तो ये 2 2 हो जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हमारे पास जो है वो है 3/2। तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ पे 10 बनाना, तो यहाँ 2 की किससे पर मल्टीप्लाई करानी, 5 से। तो यहाँ भी किससे करा दोगे, 5 से। तो ये हो जाएगा आपका 3/5 15/10। अब जो 2 नंबर आए फाइनली वो आपके हैं, 1/4/10 और 1 है आपका 15/10, क्योंकि नीचे अब ये इक्वल हो चुके हैं। तो अब ईजिली आप इसमें कंपेयर करके बता सकते हो कौन छोटा है और कौन बड़ा है। कैसे? सिर्फ ऊपर देख के ही, 4 बड़ा है या 15 बड़ा है, तो आप बताओगे 15 बड़ा है। सो दिस इज सो ईजी, ठीक है। तो ये होता है किन्हीं भी 2 नंबर्स में आपको कंपेयर करना सिर्फ उसी से तय कर पाओगे जब आप उसका नीचे डिनोमिनेटर सेम कर लोगे, और वो होगा एलसीएम से, ठीक है। अब ऐसा ही आपको करना होगा एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग में। कैसे? अगर इन्हीं 2 नंबरों को हम ऐड करते तो हमारा होता 2/5 + 3/2। तो इसको ऐड करने के लिए क्या होगा, हमने कहा कि पहले इसके नीचे एलसीएम सेम करो, तो ये 5 2 कितना हो जाता है, 10 ही तो होता है।
अब क्या होना चाहिए, अब होना ये चाहिए कि यहाँ पे हमने जब ये वाली फ्रैक्शन बनाई तो ये इसकी मल्टीप्लाई ही तो थी टू की, तो टू टू जो हो जाता है फोर, प्लस ऐसे थ्री को अगर हम तो करेंगे तो थ्री को कैसे करेंगे, थ्री को करने के लिए हमें क्या हुआ इस नंबर में यहाँ पे हमें मिलेगा 15, तो यह हो गया हमारा 15, ठीक है। क्योंकि ये जो हमने अभी कंपेयरिंग में आपको भी करके बताया था कि एक हमारा था 4/10 और दूसरा हमारा था 15/10, और इन दोनों को हमने कर लिया ऐड। ऐड करोगे तो नीचे दोनों के 10 ही रहेगा, ऊपर 4 + 15 है, ठीक है। अब 4 और 15 होता है हमारा 16/10, तो ये इनका हो गया ऐड। सेम यही तरीका आपको माइनस में भी होता, माइनस अगर ये होता तो कुछ नहीं करना होता, सेम ऐसा ही करना होता, सिर्फ यहाँ पे माइनस होता, और अगर ये माइनस होता तो हमें भी यहाँ पे माइनस रखना होता इसकी जगह पे। तो क्या करते, जैसे अगर यहाँ पे अभी हमने ऐड किया तो अब यहाँ पे माइनस हो जाता, तो 15 में से 4 माइनस करते 11 बचते और 10 बचते, लेकिन जो 11 बचे हैं वो कहाँ के बचे, वो माइनस के बचे हैं, तो यानी 15 के आगे माइनस हो, तो यहाँ माइनस लगाओगे और यहाँ -11/10। तो ये तरीका होता हमारा सब्ट्रैक्ट करने का, तो इजी पे है ऐड करने का और सब्ट्रैक्ट करने का। बात करते हैं मल्टीप्लाई की, तो मल्टीप्लाई भी बहुत सिंपल है। जैसे हमें 2/5 यही नंबर का मल्टीप्लाई कराना हो 3/2 से, तो यहाँ आपको नीचे डिनोमिनेटर सेम करने का कोई मतलब नहीं है या ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, यहाँ सीधे मल्टीप्लाई हो जाता है न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। कैसे, 2 की 3 से मल्टीप्लाई करा दो 6 और 5 की 10 से करा दो, तो ये 5 की 2 से करा दोगे तो ये 10, तो दिस इज आपका आंसर। तो मल्टीप्लाई में बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। ऐसे एक नंबर और ले लेते हैं 4/2 मल्टीप्लाई 3/6, तो क्या करोगे ऊपर वालों की न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से 4 × 3 = 12 और 2 × 6 = 12, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म पूछी जाए तो इसको सिंपलेस्ट करके 12 × 1 = 12 इसका आंसर इज 1 आ जाएगा। तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। अब बात करते हैं डिवीजन की, तो डिवीजन भी इसी की तरह है। जैसे अगर आपको 2/5 लिखा हो और डिवाइड में आपको कहा जाए कि 3 से डिवाइड करो, तो हमें बस ये करना होता है कि ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज करना होता है। कैसे, 2/5 डिवाइड की जगह हमने मल्टीप्लाई कर लिया, और जैसे ही मल्टीप्लाई कराया यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, क्या होगा, ये उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी अगर 3 है तो ये अपॉन में 3 पहुँच जाएगा, ठीक है, 1/3। तो अब ये मल्टीप्लाई का रूप हो गया ना, तो 2 × 1 = 2 और 5 × 3 = 12, दिस इज योर आंसर। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, अगर इसी का हम डिवाइड कराएं 2/5 डिवाइड बाई 3/2, तो कैसे कराएंगे, तो इसको कराने के लिए वही है कि इसका डिवाइड का मल्टीप्लाई में चेंज करो, तो 2/5 मल्टीप्लाई, अब ये पीछे वाला हमने क्या कहा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/2 है तो ये चेंज होकर हो जाएगा हमारा 2/3, ठीक। अब ये बन गया मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 2 की 2 से 4 और 5 की 3 से 15, तो ये हो जाएगा आपका 4/15। तो ये तरीका है हमारा कंपेयर ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लीकेशन, साथ ही साथ डिवीजन का। तो इस चैप्टर के अब सारे टॉपिक्स आपके कवर हो गए और ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। एक्सरसाइज इन्हीं कॉन्सेप्ट पे आपके बेस्ड होगी, आपको उसके आंसर सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो थैंक यू।